स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम कंटिन्यू करेंगे. एग्जाम्पल 3. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ए डी बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल पी ए सी. एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ आपका, ये पी ए सी. तो ये AD एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल PAC इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंगल्स. एंड CD इज पैरेलल टू AB. CD इज पैरेलल टू AB. शो दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA. एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. सो अब हम पहले क्या शो करेंगे, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए. नाउ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवेन. सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. ये हमने ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी पढ़ा था. तो आप देख रहे हो कि कैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ क्वाड्रिलेटरल में काम आ रही है. समझ में आया? तो लास्ट सेशन में जो मैंने बोला था उसको ध्यान में रखते हुए ये सब करना. ठीक है. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी. करेक्ट. क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ये भी ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी है. समझ में आया हमने क्या किया? एक्सटीरियर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी. करेक्ट. और एंगल पी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल ए सी बी. वाई? बिकॉज वी प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी. करेक्ट. सो नाउ ए डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी, विच मीन्स एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी. करेक्ट. नाउ एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. वाई? बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर. सो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल डी ए सी. देयर फोर टू एंगल डी ए सी इज वॉट. अब देखो यहाँ पे एंगल पी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल ए सी बी एंड एंगल पी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल डी ए सी. सो वेन बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल टू एंगल पी ए सी, दिस मीन्स टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल ए सी बी. करेक्ट. सो यहाँ पे टू एंड टू कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. यही आपको प्रूफ करना था. करेक्ट. हमने ये प्रूफ कर दिया. सेकेंड क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड ए डी आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल ए सी. लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड ए डी. ठीक है. यहाँ पे बी सी एंड ए डी में ए सी ट्रांसवर्सल है. करेक्ट. तो ट्रांसवर्सल जब होता है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है. यहाँ पे ये हमने लिखा है ताकि आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद रहे. समझ में आया? रिकलेक्ट हुआ आपको हमने क्या किया था पहले? वेरी गुड. सो नाउ बी सी इज पैरेलल टू ए डी. करेक्ट. ऑल्सो एंगल बी ए इज पैरेलल टू सी डी. ये भी दिया है. नाउ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर पैरेलल, दैट इज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ये भी एक थ्योरम है, याद है? बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, दैट इज दे बोथ आर पैरेलल. सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. समझ में आया? ये भी एक हमारा थियोरम है क्वाड्रिलेटरल्स में. सो वो थियोरम यूज करके हमने ये प्रूव किया कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4. टू पैरेलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी. टू पैरेलल लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी. करेक्ट. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल. मतलब क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये जो एंगल्स है, एंगल ए जो फॉर्म हुआ, एंगल सी जो फॉर्म हुआ,
करेक्ट, उसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? नाउ आपको क्या दिया है कि पी एस इज पैरेलल टू सी आर, वाई पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, वाई बिकॉज एल इज पैरेलल टू एम, ये क्यू है, दिस पॉइंट इज सी। समझ में आया, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ओके, सो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACQ इंटरसेक्ट एट B। देखो यहां पे PS इज पैरेलल टू QR, PS इज पैरेलल टू QR, समझ में आया, एंड ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट्स A एंड C रिस्पेक्टिवली। यहां पे अभी हमने देखा A एंड C में ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। नाउ जो एंगल PAC है, एंगल PAC का ये बाइसेक्टर एंड एंगल ACQ का बाइसेक्टर, एंगल ACQ का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B। देखो ये लाइन AB एंड यहां पे CB वो बाइसेक्टर्स हुए। सिमिलरली यहां पे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CAS दैट इज AD बाइसेक्टर एंड CD बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D, करेक्ट। Bisectors of angle ACR and angle SAC, correct? वो हमने देखा कि वो intersect कर रहे हैं D पे। अब now angle PAC, angle PAC is equal to angle ACR. Why? Why is angle PAC is equal to angle ACR? आप बोलो। Very good. Why? Because L is parallel to M and P is the transversal, correct? So अब जब एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर है, सो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी आर, करेक्ट। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी। देखो एंगल, क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, ये रेक्टेंगल, सो एंगल आप रेक्टेंगल के अंदर का लोगे, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, करेक्ट। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्यों, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब वो तभी होगा जब एक ट्रांसवर्सल होगा एंड दो ऑल्टर पैरेलल लाइंस होंगी, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी, आप ये भी शो कर सकते हो। वाई, हाउ, बाय यूजिंग एंगल ए सी बी एंड एंगल सी ए डी। समझ में आया, एंगल ए सी बी एंड एंगल सी ए डी, हमने जो पहले दो एंगल्स लिए थे, फिर आप नेक्स्ट टू एंगल्स लेके प्रूव करोगे कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी। समझ में आया। नेक्स्ट, देयरफोर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। सो अब हम करते हैं, नाउ एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर, कैसे, क्योंकि ये एक लाइन है एंड पी एक यहाँ पे रे है, सो सम ऑफ एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। सो जब ये इक्वल है, सो इसके हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 180 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब आप इसका हाफ ले रहे हो सो ये भी तो हाफ हो जाएगा ना, करेक्ट। सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, बट यू नो दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये भी आपको पता है। देयरफोर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्रीज, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, करेक्ट। नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ अब देखो यहां पे क्या हुआ, ए बी सी डी में एक एंगल आपको मिल गया, एक एंगल आपको 90 डिग्रीज मिल गया, देयरफोर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया, हमने क्या किया, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, उसके बाद हमने यूजिंग दैट हमने ये प्रूव किया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके,
Next. Example 5. Show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. Rectangle यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? PSRQ. ये rectangle दिख रहा है. बोल रहे कि bisectors of angles मतलब कि जो DR है वो angle D का bisector है. AP angle A का bisector है. BP angle B का bisector है. And CR angle C का bisector है. Correct? अब हम prove कर सकते हैं. कैसे? अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ASD, ठीक है, इन ट्रायंगल ASD एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D. करेक्ट. सो एंगल DAS प्लस एंगल ADS क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D. क्योंकि ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ? वो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. So angle DAS plus angle ADS is equal to half of angle A plus angle D. That is angle DAS plus angle ADS is equal to half into 180 degrees. Why? Because बोलो ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि angle A plus angle D sum of adjacent angles of a quadrilateral is complementary, correct? That is angle A plus angle D is equal to 180 degrees. Sum of adjacent angles in a quadrilateral is complementary, correct? आपको पता है. That is angle A plus angle D is equal to 180 degrees. तो जब आप इसका half angle ले रहे हो, मतलब 180 का भी half हो जाएगा, that is 90 degrees. That is angle A and angle D are interior angles on the same side of the transversal, correct? Also, angle in triangle ADS, angle DAS plus angle ADS plus angle DSA is equal to 180 degrees. Angle sum property of a triangle, ये भी पता है कि sum of all the angles in a triangle is equal to 180 degrees, correct? So, but आपको पता है कि angle DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू 90 degrees. सो क्या बचा? एंगल DSA. 90 degrees प्लस DSA इज इक्वल टू 180 degrees. दैट इज एंगल DSA इज इक्वल टू 90 degrees. सो एंगल PSR क्या हो जाएगा? देखो एंगल DSA इज 90 degrees. तो एंगल PSR भी हो जाएगा 90 degrees. वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट. सो आपको उस PQRS quadrilateral में आपको ये पता चल गया कि एंगल PSR क्या है? 90 degrees. करेक्ट. ये आपने प्रूफ कर दिया. सो सिमिलरली आप एंगल APB इज इक्वल टू 90 degrees एंड एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 degrees प्रूफ कर सकते हो. एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 degrees एंड एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 degrees प्रूफ कर सकते हो. करेक्ट. अब देखो एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 90 degrees. करेक्ट. अभी हमने ऊपर प्रूफ किया. एंड एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 degrees. दैट इज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. करेक्ट. ये भी हमारी एक थ्योरम था. सो PQRS इज अ parallelogram इन विच वन एंगल, दैट इज इनफैक्ट ऑल द एंगल्स इज 90 degrees. एंड सो PQRS इज अ रेक्टेंगल. हमने यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल क्यों लिया? क्योंकि हमें ये थ्योरम चाहिए था कि बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. करेक्ट. समझ में आया हमने क्या किया? इसीलिए PQRS इज अ रेक्टेंगल. प्रूव्ड. समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल 6. ABCD इज अ parallelogram. ये जो पूरा ABCD दिख रहा है वो parallelogram है. इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड AB एंड CD. वेरी इंपॉर्टेंट. P एंड Q आर द मिड पॉइंट. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. इफ AQ इंटरसेक्ट DP एट S, AQ इंटरसेक्ट DP एट S, दैट इज AQ इंटरसेक्ट DP एट S एंड BQ इंटरसेक्ट CP एट R. BQ इंटरसेक्ट CP एट R, शो दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम. APCQ कौन सा हुआ? APCQ, ये जो ये वाला पैरेललोग्राम. देन
show that DPBQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, and PSQR is a parallelogram. That is, PSQR is a parallelogram. Correct? Now, in quadrilateral, APCQ, ठीक है, अब हमें पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा प्रूफ करना था कि पैरेललोग्राम है APCQ, तो वो ही लेते हैं. AP is parallel to QC, AP is parallel to QC, why? Because AB is parallel to CD and P and Q are the midpoints of AB and CD respectively. तो जब AB is parallel to CD, तो उनके halves भी parallel होंगे, इसीलिए AP is parallel to QC. Now AP is equal to half AB and CQ is equal to half CD. हमें पता है क्योंकि P and Q midpoints हैं. Also AB is equal to CD, ये भी हमें पता है. So इन सब से क्या पता चला? AP is equal to CQ, correct? So AP CQ is a parallelogram from 1 and 2, from 1 and 2. Using theorem, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. समझ में आया हमने क्या किया कि quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. Correct? Next. Second, हमें क्या प्रूफ करना है? Quadrilateral DPBQ. तब जैसे हमने क्वाड्रिलैटरल APCQ को पैरेलल प्रूफ किया, उसी तरीके से आप क्वाड्रिलैटरल DPBQ को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते. दैट इज, आप प्रूफ कर सकते हो कि क्वाड्रिलैटरल DPBQ क्या है? पैरेललोग्राम. बिकॉज DQ इज पैरेलल टू PB एंड DQ इज इक्वल टू PB. ठीक है, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो. सेम वो बोलोगे कि P एंड Q क्या है? मिड पॉइंट्स है. सो व्हेन AB इज पैरेलल टू CD, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे. एंड सेम प्रोसीजर. ठीक है, थर्ड, अब इन क्वाड्रिलैटरल PSQR कौन सा हुआ? PSQR ये वाला. इन दिस क्वाड्रिलैटरल SP इज पैरेलल टू QR. व्हाई? बिकॉज़ SP इज अ पार्ट ऑफ DP एंड QR इज अ पार्ट ऑफ QB. करेक्ट. Similarly, SQ is parallel to PR. SQ is parallel to PR. Why? Because SQ is a part of AQ and SP, PR is a part of PC. And हमने दोनों parallelogram, हमने प्रूव किया कि दोनों quadrilaterals parallelogram है. Correct? इसीलिए ये दोनों भी parallel हो गए. So, PSQR is a parallelogram. तो मतलब आपने क्या देखा कि third जो आपको प्रूव करना था वो first and second proving पे dependent था. Correct? तो करेक्ट प्रूविंग से ही आप यहाँ पे आप श्योर हो सकते हो कि यहाँ ये करेक्ट है. समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके सारे एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम के कवर किए. अच्छे से इसको सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो एंड फिर सॉल्यूशन रेफर करो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा. आपको कुछ भी डाउट हो आप ऐप में भेज सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे. समझ में आया? अच्छे से समझो क्योंकि ये सब बेस है, आपको टेंथ में काम आएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंथ में आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. हैव अ वेरी गुड रिविजन ऑफ दिस एंड इसको प्रैक्टिस चाहिए. ये एक आप आज कर लिए फिर आपने छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे. रेगुलर प्रैक्टिस करो, तब जाके आप इसको फ्लुएंटली एक बार में करेक्ट कर पाओगे. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.